मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना से 13 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 24,000 की आबादी वाले शहपुरा नगर में जल संकट छाया हुआ है। कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है और लोग पानी के लिए परेशान हैं। डिंडोरी के शहपुरा नगर परिषद क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना से 13 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी पेयजल आपूर्ति बाधित है और नगर परिषद के 15 वार्ड में से अधिकांश वार्ड ऐसे हैं जहाँ लोगों को अब पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत शहपुरा नगर में करीब 13 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया गया था। शिकायत का पूरे नगर का कवर, लोगों के साथ परी समस्या, शिकायत कर नहीं सका। हम तो आए दिन बोल रहे हैं नगर पालिका के लोगों से कि भैया देखिए, तो बोल रहे हैं बिलगड़ा के पानी स्तर नीचे चला गया, पानी स्तर नीचे चला गया, कोई फॉल्ट है ना। लगे हैं प्रयास में कि चालू कर देंगे, होएगा, इस तरीके से आश्वासन मिल रहा है, पर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही है। पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी कहाँ से ला रहे हैं पानी? अब वही एक दिन ये लोग देते हैं बिलगड़ा वाली लाइन से, बस वही पानी में पुजो रहे हैं। फिर कुएं तालाब जाओ नहाने धोने के लिए, पीने को तो मिल जाता है। 13 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत का कार्य कराया गया था, जिसमें ठेकेदार जो है इंटक बेल बिलगड़ा बांध में बनाया है। इंटक बेल जो है बांध के जल स्तर से 12 फीट ऊपर बना दिया है, जिस कारण पूरे नगर को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। ठेकेदार द्वारा जो है 3 मीटर नीचे इंटक बेल बनाया होता तो आज नगर में जल संकट न होता। शहपुरा नगर तक पानी की सप्लाई के लिए बिलगड़ा बांध से पाइपलाइन बिछाई गई है और बांध का पानी फिल्टर करने के लिए शारदा टेकरी पर फिल्टर प्लांट बनाया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी 24,000 की आबादी वाले शहपुरा नगर को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल का आरोप है कि बिलगड़ा बांध में ठेकेदार उपयंत्री की मनमानी के चलते इंटक बेल का निर्माण बांध के जल स्तर से 12 फीट ऊपर कर दिया गया है। ऐसे में जब बांध का जल स्तर कम हुआ तो इंटक बेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण पानी की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के द्वारा हम इंटक वेल का निरीक्षण किया गया, जिसमें इंटक वेल 3 मीटर बांध के स्तर पर ऊपर पाया गया है, जिस कारण नगर में पेयजल समस्या बनी हुई है। इस संबंध में निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच हेतु मांग की गई है। वही नगर परिषद अध्यक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि नगर परिषद के CMO आश्वासन तो दे रहे हैं कि नगर में जल आपूर्ति के तत्काल इंतजाम कर दिए गए हैं और 1 सप्ताह के अंदर जो गड़बड़ी की गई है उसमें सुधार कर लिया जाएगा। वहीं SDM का कहना है कि मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जांच करने वाले अधिकारी भी प्रोजेक्ट की ड्राइंग से छेड़छाड़ करने की बात कह रहे हैं। अभी जो है बेलगड़ा डैम का जो है रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वहाँ का पानी जो है खोला गया है, इसलिए संकट आ रहा है। अभी तत्कालिक व्यवस्था जो है हम कर रहे हैं, पर अति शीघ्र पूर्ण कर लेंगे। समस्या भी 2-3 वार्ड में हो रही है और हम जो है कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पानी की सप्लाई देंगे। इसके संबंध में कलेक्टर महोदय से विस्तृत चर्चा करके एक संयुक्त जांच दल गठित किया गया था, जिसमें EEPWD, EEPHG, SDO WRD और नगर पंचायत के सदस्य थे, जिनके द्वारा स्थल पर जांच की गई है। और प्रारंभिक तौर पर यही पाया गया है कि डिज़ाइन ड्राइंग के अनुरूप निर्माण नहीं किया गया है, तो ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट अभी 1 या 2 दिन के अंदर सबमिट हो जानी चाहिए और उसमें जो भी शासकीय अशासकीय व्यक्ति इसमें सम्मिलित होंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करके रिपोर्ट कलेक्टर साहब की ओर भेजी जाएगी। तो WRD जो इरीगेशन विभाग है, वहाँ स्पिलवे का काम करना है, जिसके कारण वो पानी को थोड़ा छोड़ रहे हैं, जिससे वाटर लेवल कम हो रहा है। और उस वाटर लेवल में जो हमारा स्ट्रेनर डला है, पाइप डला इंटेक में पानी आने के लिए, वो पूरी तरीके से डूब नहीं पा रहा है, इस कारण से पानी कम आ रहा था। उसी की जांच करने के लिए कलेक्टर साहब ने भेजा था, तो हम लोग उसका रिपोर्ट देंगे जल्दी से। कैसे वो पानी पहुंच पाएगा लोगों तक? पानी अभी फिलहाल जो मैंने बातचीत की तो पानी चल रहा है, और ये भी बताया गया कि जगह जगह पे लीकेज है और मेन लाइन में कनेक्शन दे दिया गया है, जिस कारण से अव्यवस्था हो रही है। तो इसमें जो नगर परिषद के ई सर आए थे और उन्होंने उन लोगों ने निर्देश दिए हैं, मेरे को सिर्फ जांच करने बोला गया था इंटेक वेल का, तो वो मैंने देखा और उस पर मैंने अपनी तकनीकी जो है हम लोग उसमें रिपोर्ट देंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए जो ड्राइंग तैयार की गई थी उसमें छेड़छाड़ क्यों की गई? जब निर्माण कार्य पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया तो नगर में पानी अब तक क्यों नहीं पहुँच पाया? बहरहाल अब देखना होगा कि शहपुरा नगर में 13 करोड़ की इस योजना से पेयजल आपूर्ति कब शुरू हो पाएगी।
मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।